मान ने कहा है कि इस बार के बजट में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। दरभंगा में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि इस बजट में गांव में रहने वाले 80% लोगों पर ध्यान रखा गया है। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बजट में 4 करोड़ युवाओं में कौशल विकास कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। बजट में ग्रामीण महिलाओं की बेहतरी के लिए भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट के माध्यम से भारत को विकसित बनाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक आर्थिक विकास के साथ जोड़ना है और आदरणीय मोदी जी इस बात को कहते हैं कि विरासत के साथ विकास, मुझे लगता है कि ये बजट विरासत के साथ विकास, खासतौर पर जो हमारे पिछड़े राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे बिहार हो, ऐसे तमाम ऐसे राज्यों में हमारी सरकार ने विशेष तौर पर इस बजट में ध्यान दिया है। और मैं ये फिर कहूँगा आप सब लोगों से कि ये बजट देश के सभी नागरिकों के लिए है और ये बजट पूर्ण रूप से समाज के गरीब लोगों के लिए संकल्पित है, गरीब लोगों के लिए।